जब सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखो हमने पढ़ा था क्या, लाभ हानि पढ़ा था। लाभ हानि पे जो हम क्वेश्चन करते थे वो करते थे या तो पोस्ट प्राइस पे या फिर क्या आता था, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्रय मूल्य। हिंदी वाले कह रहे जी क्या लिख रहे हो, या फिर क्या होता विक्रय मूल्य होता था। ठीक है, जब हम पट्टे की बात करेंगे तो यहाँ पे एक चीज और ऐड हो जाएगी जो होगा आपका डिस्काउंट, जिसे हम बट्टा या छूट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे बात करूं कि इनका सीक्वेंस क्या रहेगा, अगर मैं क्रम से लगाने की बात करूं तो इनमें सबसे पहले कौन आया होगा, Yes. सबसे पहले क्या आया होगा, पोस्ट प्राइस आया होगा। क्यों आया होगा कि भाई तुमने किसी चीज को पहले बना के ही तो तैयार करा होगा, बाद में ही तो उसमें बेचा होगा या बाद में तो उसमें तुमने रेट लगाया होगा। सबसे पहले क्या काम करा होगा तुमने, उसे बनाया होगा, और बनाने में जो खर्चा आता है उसे हम क्या कहते हैं, पोस्ट प्राइस, लागत मूल्य या क्रय मूल्य कहते हैं। जब कोई चीज बन के तैयार हो जाती है उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद उस पर रखा जाता है एक प्राइस, जिसे हम अंकित मूल्य एमआरपी बोलते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एमपी को यहाँ पे एमपी बोल देंगे हम इसे। ठीक है, एमआरपी जो होता है वो एमपी तो होता है आपका मार्क प्राइस, अंकित मूल्य जिसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आया, सीपी, फिर कौन आया, एमपी, फिर कौन आएगा, फिर आएगा एसपी। तो डिस्काउंट के बाद ही तो एसपी आएगा। ठीक है, कि अगर हम इसका सिस्टम पूछें तो ये बट्टा जो मिलता है ये हमेशा एमपी पे मिलता है। जैसे लाभ और हानि, लाभ और हानि किस पे मिलते हैं, हाँ जी ओमकार जी, सीपी पे मिलते हैं या एसपी पे मिलते हैं, सीपी पे मिलते हैं। उसी प्रकार जो बट्टा या छूट होती है आपकी वो किस पे मिलती है, वो मिलती है, सही है, एमपी पे मिलती है। ठीक है, एसपी पे नहीं मिलती कि हाँ। बस एक बात बताओ, जब तुम कोई सामान खरीदने जाते हो तो तुम देखते हो अच्छा 1499 रुपए की जींस है, क्या कहते हो कि भैया कितने में पड़ जाएगी, कितने में पड़ जाएगी, तो क्या देख के बताते हो तुम, एमपी एमआरपी तो देख के बताते हो भैया कितने में पड़ जाएगी, और तुम उससे क्या लेना चाहते हो, डिस्काउंट ही तो लेना चाहते हो। तो तुमने किस पे डिस्काउंट लिया, एमआरपी पे तो लिया कि तुमने देखा 1499 लिखा हुआ है इस पे, तो इतने में तो लेनी नहीं, कम में लेनी है, तो तुमने डिस्काउंट किस पे लिया, एमआरपी पे तो लिया। जैसे सिंपल सी बात है, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मोबाइल फोन है, अब मोबाइल फोन पे अगर एमआरपी पड़ा हुआ है 17999, क्या तुम उतने का ही ले आओगे, नहीं लाओगे। सिंपल सी बात है, उससे 200 400 500 1000 की तो बार्गेनिंग करोगे ही करोगे। तो तुमने किस पे बार्गेनिंग करी, एमआरपी पे बार्गेनिंग। तो बट्टा या छूट जो होती है वो हमेशा हमेशा से मतलब है आपको कहीं और जाना ही नहीं है, आप कहाँ जाओगे, हमेशा एमआरपी पे जाओगे। तो जब भी छूट की बात आएगी वो किस पे निकलेगी, किस पे निकलेगी, एमआरपी पे निकलेगी, यानी कि एमपी, मार्क प्राइस बोलते हैं इसे हम। ठीक है, एक क्वेश्चन और है मेरा, ये जो बट्टा होता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, छूट के नाम से जानते हैं, ये दो लोगों के लिए काम करता है, एक तो ग्राहक के लिए और एक दुकानदार के लिए, करता है कि नहीं। अब मुझे ये बताओ दुकानदार के लिए ये लाभ है या हानि है, दुकानदार के लिए बट्टा लाभ को दर्शाता है या हानि को दर्शाता है जी, सिंपल सी बात है, बेसिक सी बात है, तो हानि को दर्शाएगा कि भाई अगर सपोज करो किसी वस्तु का मूल्य 800 रुपए है और बट्टा लग के दुकानदार उसे कितने में बेच रहा है, 700 में बेच रहा है, तो उसे तो 100 रुपए की हानि है ना। अगर वो इसे 800 में बेचता एमआरपी पे ही तो उसे 100 रुपए का लाभ होता, लेकिन अब कितने में बेच रहा है वो, 700 रुपए में, तो कहीं ना कहीं उसके लिए हानि है। क्या ये दुकानदार के लिए, ग्राहक के लिए भी हानि है, ग्राहक के लिए हमेशा बट्टा लाभ का काम करता है। क्यों, क्योंकि भाई 800 रुपए की चीज उसने 700 में खरीद ली, तो कहीं ना कहीं 100 रुपए तो उसने बचा लिए ना उस पे। तो ग्राहक के लिए कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि बताइए जो बट्टा है वो दुकानदार के लिए लाभ का काम करता है या हानि का काम करता है, तो
तो आप क्या कहोगे, दुकानदार के लिए हानि का काम करता है और ग्राहक के लिए क्या काम करता है, ये फायदे का काम करता है। ठीक है,